नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज, तो 1057 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो बता दें 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसी के साथ रामायण मेले का सीएम योगी शुभारंभ करेंगे और उससे पहले तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 1057 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे और इसी के साथ रामायण मेला का भी शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। मेले को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं, तो साथ ही प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं जनसभा के जरिए बीजेपी अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है, जिसके लिए 25,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और जनसभा को लेकर किस तरह की तैयारी, एक भव्य मंच तैयार किया गया है और इससे एक बड़ा संदेश आने वाले चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या में वो जो विकास के कार्य चल रहे हैं अयोध्या के, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे कमिश्नरी में, कमिश्नर ऑफिस में, और उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम रामायण मेले का है, रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आज अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी रामायण मेले के उद्घाटन यहां पर करते नजर आएंगे, तो मेले में कई कलाकार शामिल होंगे। तो रामायण मेले का भव्य और दिव्य बनाने के लिए कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। रामायण मेला राज्य सरकार के सहयोग और हमारे जो रामायण मेला समिति के मेंबर हैं, इन लोगों को अथक प्रयास से रामायण मेला संपन्न होता है। लेकिन श्री राम की नगरी है और ये सौभाग्य है कि मां सरयू के तट पर ये बाजार लगाया गया है और अयोध्या में राम से बड़ा कोई नहीं है, राम में ही सब कुछ है। प्रथम बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि रामायण मेले में डीसी हैंडीक्राफ्ट ने अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शिल्पकारों की यहां प्रतिभागिता कराई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अयोध्या के बाद सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। तो 4 प्रमुख परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज गोरखपुर वासियों को दी जानी है। 1,822 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो 4 प्रमुख परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। तो सीएम गोरखपुर में 1,822 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें फ्लाईओवर, सीवरेज, जल निकासी और 4 लेन के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। गोरखपुर वासियों को भी इसका खासा इंतजार था और अब इंतजार वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो सीएम का आज समारोह, बता दें कि सीएम का समारोह आज शाम 4 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगा, जहां सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब रामपुर से बड़ी खबर है, जहां आजम खां का बीजेपी पर हमला। तो पुलिस पर दहशत फैलाने का आरोप लगाया तंजीन फातिमा।